फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कंप्लीट डीआईवाई कॉर्नर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक फोल्डेबल मैट्रेस था। तो ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको कुछ रीयूज किया जाए। तो इसको मैंने जस्ट फोल्ड करके इसको कवर कर दिया और एक ये बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। और ये मेरे पास फॉर्म के गद्दे हैं, ये मैंने स्पेशली जो फ्लोर सीटिंग होती है उसी के लिए लिए हुए हैं ये। और ये मैंने इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। एक्चुअली पहले मैं इस पर शीट डालती थी तो वो पूरी इधर से उधर फैल जाती थी, पूरा मैसअप हो जाता था बैटरी। तो मैंने इसके ऊपर ये पूरा कंप्लीट कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर। और ये देखिए, बहुत आसान होता है इनको कवर करना। मैंने बस जस्ट इसके कॉर्नर्स पे कपड़ा फोल्ड किया और हाथ से इसको स्टिच किया हुआ है। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बेडशीट से इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ था और ये इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दिया मैंने। और इसको पूरा कंप्लीट चारों तरफ से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसको नीचे स्टिच कर दिया है। तो इसको मैं अलग अलग भी, ये दो गद्दे हैं, इनको अलग अलग भी यूज़ कर लेती हूँ नीचे कॉर्नर्स पे लगा के। और ये एक मेरा डीआईवाई टेबल है, ये एक काफ़ी बड़ा बॉक्स था। ये अमेज़ोन से डिलीवरीज आती हैं तो ये जो बॉक्सेस होते हैं, मैं कार्डबोर्ड का वैसे कोई भी बॉक्स फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको कपड़े से कवर करके, ये पहले एक कपड़े से कवर किया इसको रफली और फिर उसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दिया। और ये जो मैट देख रहे हैं आप, ये भी जूट से बनी हुई है, ये भी डीआईवाई है। और ये बास्केट, ये कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर जस्ट रोप जो होती है जूट की, वो मैंने इसके ऊपर लगाई है और एक ये तैयार हो गई है। और ये मेरे पास एक रेडीमेड बास्केट है जो आपने अभी देखी। और ये उसी टेबल मैट के साथ ही मैंने ये डीआईवाई बनाया था, वॉल डेकोरेटर। और ये बस जस्ट कार्डबोर्ड के ऊपर राउंड राउंड रोप लगा के, जूट होती है वो बहुत पतली और बहुत से साइज़ में मिलती है, उसे ये बना। और जूट की बास्केट में मैंने ये बहुत सारे प्लांट्स रख दिए हैं, तो प्लांट्स के बिना तो हमारी डेकोरेशन हो ही नहीं सकती। तो यूज़ एज मच एज यू कैन। तो ये मैंने बहुत सारे 4-5 प्लांटर्स इसमें रखे हैं जेड के। और ये कुशंस हैं, ये एक्चुअली मैं ये कपड़ा लेके आई थी जूट इन गद्दों के कवर्स के लिए, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसमें से कुशंस का और एक बेड का पूरा कवर में पूरा सेट बनाया था। तो वही कुशंस मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेती हूँ और बेड के साथ भी यूज़ हो जाते हैं। और ये बैग आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, ये जूट का बैग है, इसको मैं प्लांटर की तरह ही यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा साइड से फट गया था तो ये मेरे किसी काम का नहीं था। और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एक वीडियो में, ये जो हमारे पास कटिंग्स होती हैं कपड़ों की या कुछ भी, ये पुराने फ्रेम्स थे मेरे पास, तो ये मैंने उसमें से निकाल के इसको दोबारा से बना दिया। और ये देखिए, कम से कम ये 4 मेरे पास एक ही साइज के फ्रेम्स थे और उससे कितना ब्यूटीफुल कॉर्नर एक पीस तैयार हो गया। और ये एक और चीज मैं दिखाती हूँ, ये मेरा ये प्लांटर है, ये गत्ते का कार्डबोर्ड का बॉक्स था और उसके ऊपर एक ओल्ड कुशन पड़ा हुआ था, मैंने उसको कवर किया और उसके अंदर ये किचन के बॉक्सेस होते हैं जो डब्बे होते हैं, उसमें मनी प्लांट लगाया हुआ था, उसमें रख दिया। ये भी एक डीआईवाई है, ये एक वुडन बॉक्स था प्लेन, उसके ऊपर ये कुशन का कवर चढ़ा के ये मैंने, और इससे भी एक प्लांटर का स्टैंड तैयार हो गया। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने जो ये फ्रेम्स फोल्ड थे इनको रीयूज किया, तो इस तरह से एक ब्यूटीफुल टोटली जूट की ज्यादातर चीजें इसमें यूज करके ये मेरा एक कॉर्नर सेट हो गया। तो ये गद्दे मैं अलग अलग डाल के भी इसको टोटल फ्लोर सिटिंग के लिए भी यूज करती हूँ। और आज मैंने इसको इस तरह से यूज किया तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो इफ यू लाइक माई आइडिया, तो ये कंप्लीट एक डीआईवाई कॉर्नर है, इसमें सारी चीजें मेरी खुद की बनाई हुई हैं। तो आप भी आपको भी अगर ये अच्छी लगी तो इस तरह से अपने क्रिएटिव आइडियाज यूज कीजिए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। और आपके पास अगर कुशंस का अच्छा कलेक्शन है तो यू डोंट नीड एनी एक्सपेंसिव थिंग्स टू डेकोरेट योर हाउस। आपके पास छोटे छोटे आइडियाज हैं तो आप उनको अपने छोटे छोटे चेंजेस करके इस तरह से अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इफ यू लाइक माई आइडिया, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।